वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज मैं आपको डोसे और इडली के साथ खाई जाने वाली साउथ इंडियन की स्पेशल ब्रेड चटनी बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच या 3 चम्मच चने की दाल डालेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे और चने दाल को लाल होने तक हम रोस्ट करेंगे। फ्रेंड देखिए, जब दाल देखिए हमारी अच्छे से गुलाबी गुलाबी हो जाएगी, मैं तब तक भूनना है जिससे कि इसमें कच्चापन ना आए। फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए मैंने 1 प्याज लिए रफली चॉप्ड और 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे जिससे कि ये कच्चा कच्चा ना लगे। और फ्रेंड इसी समय हम ये 5 से 6 कलियां लहसुन भी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। हमारी सब चीज़ भून गई है तो हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक खूब अच्छे से रंग के लिए। और अब हमको गैस की फ्लेम को स्लो बंद करके इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। फिर ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। फ्रेंड देखिए, मैंने सब कुछ मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, ठंडा हो गया। तो फ्रेंड गरम गरम ना पीसिएगा क्योंकि उससे मिक्सी का जार जो ढक्कन होता है वो चटकने का डर रहता है। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार फ्रेंड्स नमक डालिए, क्योंकि नमक मैंने पहले नहीं डाला था। और फ्रेंड देखिए, इसी पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें ये डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं पानी थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मैं भी इसमें एक चीज़ और डालूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए इमली का पानी लिया हुआ है मैं, क्योंकि सांभर भी बना रही हूँ तो मैंने, क्योंकि इसमें इमली का पानी उसमें भी डालूंगी, इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब इमली का पानी डालूंगी और इसको अब अच्छे से हम पीस लेंगे। अगर आपके पास इमली का पानी ना हो तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं या आप इसको स्किप करके इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर आपको ना डालना, आपको खट्टा ना पसंद हो तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते। अब इसको चलिए हमें पेस्ट बना लेते हैं अच्छा सा। फ्रेंड ये देखिए, हमारा हमने बढ़िया सी स्मूथ सी पीस ली है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका और लाल रंग डालते हैं तो इसमें कश्मीरी मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं या ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट मुझे इतनी लाल चटनी अच्छी लग रही है। अब फ्रेंड देखिए, इसका एक तड़का बनाएंगे। अपने फ्रेंड्स देखिए, एक तड़के पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और सरसों के दाने चटकने के बाद इसमें हम ये थोड़ी सी मीठी नीम डालेंगे। और ये देखिए, जब ये सब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम इसको चटनी में इसका तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने चटनी में तड़का लगा दिया था। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। हमारी बढ़िया मैसूर चटनी, मैसूर डोसा चटनी। फ्रेंड, मैसूर डोसा में चटनी लोग अंदर भी लगाते हैं, बट इसको देखिए आजकल डोसे के साथ भी चटनी मिलने लगी है। तो अब हम इसको आराम से देखिए, बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट चटनी हमारी तैयार है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो हर बार के अंदर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी यूनिक इजी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।